जय भीम नवोदय साथियों, आज मैं उपस्थित हूँ लखनऊ में और आज मैं एक अहम मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। 25 दिसंबर सभी लोग जानते हैं, 25 दिसंबर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो मनुस्मृति की प्रतियाँ जलाई थी, मतलब बहुजनों की गुलामी का ताना बुना बुनती मनु का विधान, मनुस्मृति ये ऐसा कानून था जिसने बहुजनों के जो उनके अधिकार थे और उनकी गुलामी का पूरा चट्ठा उसमें था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो सम्मान से जीने का और जो उनके हक अधिकार दिलाए भारतीय संविधान में, वो मनुस्मृति में जो मनुस्मृति के समय का जब दिन था तो उस समय बहुजनों की स्थिति क्या थी, तो वो सब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बड़ी नज़दीकी से देखा था। तो उनको जब उन्होंने बहुजनों की स्थिति देखी थी तो वाकई में उनको बहुत दर्द हुआ और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। तो हमारे साथ उपस्थित हैं अचल सिद्धार्थ यादव जी, तो मैं सर से बात करूंगी कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो 25 दिसंबर को, आखिर इन्होंने 25 दिसंबर को ही क्यों मनुस्मृति की प्रतियां जलाई, और जलाई तो क्यों जलाई, क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसा उस मनुस्मृति के उस कानून में ऐसा क्या लिखा हुआ था जो उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी जी, सर ये बताइए कि 25 दिसंबर को जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी जी, तो आखिर उन्होंने क्यों जलाई थी, ऐसे क्या कारण थे? इसका सबसे बड़ा कारण रहा है असमानता और भेदभाव जी। मानव और मानव में भेदभाव जी। ये बड़ा किसी भी के लिए भी बड़ा शोचनीय विषय है कि भेदभाव कैसे हो सकता है जी। जब हम सभी जीव जितने हैं है ना, एक दूसरे से किसी भी तरह से भिन्न नहीं है जी। है ना, तो भिन्न होने जब नहीं है तो हम अलग कैसे हुए, जब अलग नहीं हुए तो ये जो असमानता इन्होंने बोई, भेदभाव, सीढ़ीवार जातियां बना दी, कोई एक जाति दूसरी जात से थोड़ा ऊंचे, वो उससे ऊंचे, जो ये कैटेगरी बांटी गई ऊंचाई नीचाई की, तो ये उस किताब में निहित था। तो उस किताब में जो निहित था वो पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति विशेष का षड्यंत्र हो सकता है जी, 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 बिल्कुल, है ना बिल्कुल। वो एक व्यक्ति विशेष का षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र को ख़त्म करने के लिए जलाई कि लोगों को ध्यान जाए कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी गुलामी है, हमें भेदभाव का शिकार बनाया जाता है, उस शिकार को कैसे हम लोगों तक पहुँचाएँ, लोग कैसे जाने कि कैसे इस पुस्तक में हमें नीचा दिखाया गया है, हमें असमानता के कुएं में कैसे ढकेला गया है, वो इसमें दिखाया गया है। तो लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो षड्यंत्र रचा गया है, इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। लोग समझते थे ये तो सनातन से चला आ रहा है, यानी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से चला आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये दिखाया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि ये जो सिस्टम चला आ रहा है उसके पीछे कुछ लोगों का षड्यंत्र है, और मनुस्मृति में ये पूरा सिस्टम, ये पूरा जो जिसको बोलते हैं विकृत संविधान के रूप में जो हमारे थोपा गया है वो इस मनुस्मृति में था। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको जलाया तो लोगों को पता चला कि नहीं, ये केवल किसी व्यक्ति विशेष का षड्यंत्र था, और ये बहुत ही अच्छा किया, और हमें भी चाहिए कि इस पुस्तक को है ना हर बार इसका दहन करें, लोगों तक ये सूचना जाए कि आखिर इस पुस्तक में लिखा क्या है, अगर जलेगी तभी लोग पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। तो मेन कारण ऐसे क्या उस मनुस्मृति विधान में लिखा हुआ था, मेन कारण ऐसे क्या थे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? उसमें दिया गया था वर्ण व्यवस्था का पूरा जिक्र आप जानते ही होंगे, लेकिन लोगों को भी जानना चाहिए। जैसे पहला वर्ण था अपना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, तीनों को तीनों के कार्य डिवाइड थे, है ना। तो जैसे ब्राह्मण था उसका शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, यही काम था। क्षत्रिय का काम रक्षा करना था, वैश्य का काम मतलब व्यापार से था पूरा पूरा, लेकिन एक शूद्र वर्ग था जिसे शूद्र कहते थे, जिसमें भारत की नहीं की जितनी जातियां हैं, मतलब ये समझिए कि जिसको हम बहुजन बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी में कवर्ड होते हैं जिसे शूद्र कहते हैं। लेकिन आप अभी यहाँ पे आइए तो देखिए कि अगर हम सर्विस सेक्टर को भी डिवाइड करेंगे, जैसे शूद्र को इन्होंने सर्विस से जोड़ा था कि सेवा का काम, तो अगर हम पर्टिकुलर किसी किन्हीं जातियों को लगाते हैं हम कि सर्विस देंगे, तो सर्विस के सेक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे, 50 में ही सारे सेक्टर कवर्ड हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने 6,743 तो जातियाँ बना दी, दूसरा उसमें जो शूद्र का पूरा बनाया उनकी भी संख्या इतनी बनाई कि सेवा के सेक्टर भी पार होते हैं, एक ही जाति का
किसान होगा, आप वर्मा, यादव, मौर्या, इन ये जो जातियां हैं पिछड़े में, पिछड़े की कम से कम 30-35 जातियां हैं जिनका कृषि से ही मतलब है, तो कृषि तो एक ही जाति में कवर्ड हो सकती थी, लेकिन इसमें भी इन्होंने 10 बांट दिया कि कृषि 50 लोग करेंगे, 50 जाति के लोग करेंगे। तो ये जो दिया गया इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नीचे की श्रेणी में रखा और कम से कम लोगों को इन्होंने जो उच्च श्रेणी में रखा, ये बहुत बड़ा भेदभाव इन्होंने रखा, इसीलिए बाबा साहब ने इसे जलाया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब वो मनुस्मृति की प्रतियां जलाई होंगी उस समय, तो उस समय भाई विरोधियों ने भी उसका विरोध बहुत ज्यादा तन बन के हट बढ़ के मतलब बढ़ चढ़ के किया होगा, और डॉक्टर अम्बेडकर को भी काफी ज्यादा यातना भी सहनी पड़ी होगी उस समय। तो ऐसा क्या उस समय का जो दौर था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, जो उन्होंने अपनी मतलब अपनी जो जीवनी लिखी उसमें भी उन्होंने अपना दर्द बयां किया हुआ है, तो आखिर वो क्या मैसेज देना चाहते थे मनुस्मृति दहन को लेकर? इसमें बाबा साहब का सीधा सीधा सिद्धांत यही था कि समाज में समानता और भाईचारा आए, यही बाबा साहब का सबसे बड़ा सिद्धांत था। और दहन करने का मतलब ये था कि उसमें जो भेदभाव असमानता का पूरा जिक्र था और पूरा संविधान छिपा हुआ था, एक हिडन एजेंडा था, उसी वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तक पता लगे, और इस जो ग्रंथ में छिपा हुआ है हम एक बहुत बड़ी आबादी का गुलामी का, वो लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर किया कि अगर ये जलेगी तो निश्चित तौर पर लोग देखेंगे कि हमारे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया था। तो मनुस्मृति और भारतीय संविधान कितना भिन्न है एक दूसरे से? एक जमीन है तो दूसरा आसमान है, इतना अंतर है दोनों में। जो भारत का संविधान है वो समानता और भाईचारे पे निर्भर है, और जो मनुस्मृति है वो केवल एक पूरी तरह से एक विशेष वर्ग को गुलाम बनाने की साजिश है। पूरे आप देश को मनुस्मृति दहन दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो गुलामी का एक जो आडंबर फैला रखा है इन्होंने, इसके लिए लोगों का ज़्यादा लोगों तक जागरूक करें और समानता व भाईचारे को लोगों के बीच में उत्पन्न करें, जिससे यह असमानता की खाई खत्म हो, हम जातियों में नहीं आपस में एक दूसरे को मानव समझ के जी। बहुत शुक्रिया अचल सिद्धार्थ यादव जी आपका, कि बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो देख रहे थे आप हमारे साथ अचल सिद्धार्थ यादव जी, जिन्होंने मनुस्मृति दहन पर मनुस्मृति और संविधान को डिफरेंस किया, और किन किन वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो ये मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी इसका क्या संदेश था इसकी जानकारी आप तक दी, और इस मनुस्मृति दिवस पर आप क्या संकल्प लेना चाहते हैं, आप क्या मानेंगे, क्या वाकई में आप मनुस्मृति और भारतीय संविधान को डिफरेंस करेंगे, क्या वाकई में पढ़ेंगे आप, आपकी गुलामी और आपकी आज़ादी किस में है, तो आप किन चीज़ों को छोड़ रहे हैं और किन को अपना रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। और एक नया संकल्प लीजिए, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी संकल्प लिया था मनुस्मृति के पन्नों को और मनुस्मृति की प्रतियों को जला कर, कि आपको आप भी इंसान हैं, कोई जानवर नहीं, आपको भी समानता के साथ जीना है, आपको भी समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो कि मनुस्मृति में नहीं थे। तो आज के दिन आप भी एक प्रण लीजिए, संकल्प लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बताए मार्ग पर चलिए। और बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि इस वीडियो के थ्रू जो ये जानकारी है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो और जाने इसके बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी और खबरों के लिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए सम्यक TV24। शालिनी को दीजिए इजाज़त, जय भीम। सम्यक TV24 को लाइक, शेयर।